गोविंद के बुझिचा गोविंद बारे फंद से गरु कर दे भव से पा। देखो गुरु महाराज के दो ही भुजा है और गोविंद के भगवान के चार भुजा है, जिन्हें चार भुजा नाथ के वहां चार हाथाड़ों का ही नहीं कर सके और दो हाथाड़ो बहुसागर पार कर दे। इतनी बड़ी गुरु में शक्ति है। इवास्ते गुरु पद अटल सवाई, अरे और पद सब गलवल जाई कर्म पर के माई, गुरु पद अटल सवाई। सुनता प्रेम सुख युग जो दुर्मत गई हमारी, ये वाणी रे सुनता प्रेम सुख युग जो दुर्मत गई हमारी, ये ब्रह्म कर्म राशा समेटिया ब्रह्म कर्म राशा समेटिया ओ दिया तो पाप उगाड़ी मेरा सतगुरु ने बलियारी। ये बंधन काट किया निज मुक्त ही बंधन काट किया निज सारी तो विपत निवारी मेरा साहिब ने बलियारी। ब्रह्मरा विदेवताया सुवंग लिया विचारी, ये माया ब्रह्म कई वेद बताया सुवंग लिया विचारी, ये आदि पुरुष घट अंदर ले गई आदि पुरुष घट अंदर ले जा करी मेरे सतगुरु दाता अब के तुलियो युवारी, ओ दया करी मेरे सतगुरु दाता अब के तुलियो युवारी, बहुसागर से डूबत जारो बहुसागर से डूबत जा ऐसा पर उपकारी मेरा साहिब ने बलियारी।
बंधन काट किया निज मुक्ता सारी विपत निवारी। मोह बंधन से गुरु महाराज जी दूर कर सके। देवी देवता की माता जी बेरूल जी बालाजी की सामर्थ्य नहीं जो को दूर कर सके। बंधन काट किया निज मुक्ता सारी विपत निवारी। विपत के वे दुख ने वो सबसे बड़ो दुख है। ये दुख तो केवल गुरु महाराज ही मुक्त कर सके। तो केवे बाणी सुनता प्रेम सुकूजो। बाणी केवे गुरु महाराज का शब्द ने केवे नी शब्द सुनिया भला बन गया आई जो आपान। कर्म भरम एकार मागया तीर मारियो तान। आज मेरा भाग जागा भले उग्यो भाण। आज ही घर में महापुरुषों की संगत हो रही है। बड़ो आनंद हो रही है। कई प्रकार की चीजा सुन रिया हां। ऐसो भाव ई घर में हमेशा रहना चाहिए। ई यादगार के वास्ते सत्संग करा रिया हां। मगर ई चीज ने लोग दिन उगिया पहली पहली भूल जाए। ई वास्ते अपना घर में अपना परिवार में अपना संतान में सुधार नहीं हो। ई चीजा ने आजीवन याद रखनी चाहिए। बाणी सुन प्रेम समुद्रियों दुर्मत गई हमारी। भरम कर्म का सासा में क्या दिया कपाड़ उगाड़ी। कपाट के वे अज्ञान रूपी दरवाजो लागोड़ो अज्ञान रूपी पड़दो आयोड़ो है। बिने दूर करता ही घर में चांदनो हो जाए। बाकी चांदनो नहीं हो। और के वे माया और भ्रम का वेद बताया सोंग लिया विचारी। माया कई चीज है भाई साहब शांति से सुनो। माया किन्ने केवे है और ब्रह्म किन्ने केवे है। वो शरीर है जो को माया है। इस संसार में दिखने वाली चीजा सब माया है। और नी दिखे जो को ब्रह्म है। आवाज आ रही है अंदर मगर बोल वालो नजर नहीं आ। वो तो खाली कोको है। इके अंदर बैठो है बोल वालो वो नजर नहीं आ। वो ही ब्रह्म है। जो नी दिखने चीज नी दिखने वाली चीज ही ब्रह्म है और दिखने वाली चीज ही माया है। माया को और ब्रह्म को जोड़ो है। इव ब्रह्म निकल जाए तो खाली खोको है। वो कहीं नहीं कर सके। और ब्रह्म अकेलो भी कुछ नहीं कर सके। माया को संबंध भी कर। माया ब्रह्म का वेद माया सोंग लिया विचारी। आदि पुष्कट अंदर देखा डायम दूर निवारी। डायम कहते हैं डाकण को। एक डाकण लाग जावे तो कई प्रकार का चौकी डोरा मादल्या उतारा कराता फिरे है। एक डाकण के ऊपर है। मर के इंसान के छह प्रकार की डाकणा लागू है। केवे माया ममता दीनता चिंता कुंता तृष्णा नारी। छे डाइन है पुरुष के काटत खून निहारी। धीरे धीरे शरीर ने खा जाई खून भी नहीं आवाज वे। वे डाइना ने मारनी वे दमन करनी वे शांत करनी वे। तो गुरु महाराज का शब्द को उच्चारण करो भी की माला फेरू भी को जपचाप करो भी को मनन निध्यासन करो और मर्यादा उचालो। वे छे डाइना है जो को शांत हो जाए। वे को नाचो कूदो मिट जाए। तो और केवे दया करी मेरे सतगुरु दाता अब के लिए उबारी। बहुत सागर से डूबत त्यारे ऐसा पर उपकारी। परमात्मा चार रूप धार करके पूरे संसार की सेवा करता आ रिया है। आज भी कर लिया।
परमात्मा चार रूप धार करके पूरे संसार की सेवा कर रहे हैं। पहलो रूप है परमात्मा को तरवर, तरवर के वे दरखत ने, पेड़ ने, झाड़ ने, जो अपने छाया भी देवे, लकड़ी भी देवे, फल भी देवे, कदी अपना को पैसो नहीं मांगा। तरवर सरवर, सरवर के वे दरियाओं ने जिमें स्नान करियारा वहां पकड़ा, कपड़ा भी धोरा जावा और पानी भी ले रहा जावा, कदी दरियाओ अपना को रुपया नहीं मांगा। तरवर सरवर संतन, संसार में इनका संत है, ब्रह्मंड कर करके जीवन चेता किसी प्रकार को डोनेशन नहीं मांगे। संत को हाथ हमेशा यूं रिया कर आशीर्वाद देता रहे और कई नहीं मांगे। संत को हाथ यूं रिया करे और भेग पैर करके संसार की जेबा काटता फिर जी को हाथ यूं रिया करे, जो नाना प्रकार को डोनेशन मांग मांग करके और आश्रम बनावे हैं और आश्रम में बेचकर जेब में गालर चला जावे। संसार जानते हुए भी आंधी बन करके अपनी जेबा कटवा रही है। वास्ते विचार करनो, संत की नहीं केवे, महात्मा की नहीं केवे, महाराज की नहीं केवे, इस चीज की भी परीक्षा सीखनी है, सुननी है, याद रखनी है। और केवे गुरु दादू का चरण कौन पर मेलू शीश उतारी, शीश के अभिमानी रूपी शीश। कोई ने अपना मकान को घमंड है, कोई ने अपना रूप को घमंड है, कोई अपना शरीर में हट्टो कट्टो जी को घमंड है, कोई ने गाड़ी घोड़ा को घमंड है, कोई ने माया है, कोई ने बैंक बैलेंस जी को घमंड है। इनका घमंड जब तक नीचा नहीं पड़ेला, जब तक चूर नहीं होला, जब तक अपनी मोक्ष में नहीं होगी। गुरु दादू का चरण कौन पर मेलू शीश उतारी, और लेर कई हाजिर राखू सुंदर भेंट तुम्हारी। तन मन धन और वचन, ये चार पदार्थ गुरु महाराज के अर्पण है। अर्पण करने के बाद ये गुरु महाराज बड़ा दयालु है, दया के सागर है। चारों चीजें शिष्य ने पाची देवे, तन से सेवा करना, मन से भजन करना और धन से दान पुण्य करना और जवान शुद्ध बोलना। चार बातें ने याद रख लेवा तो 10 दोष और 7 व्यसन सब दूर हो जाए। बोले सतगुरु भगवान की।